फ्रेंड्स, श्रुति डांस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एक बहुत ही ट्रेंडिंग जो गाना इस समय चल रहा है, तेरे वास्ते फलक से। इसकी बहुत रिक्वेस्ट भी आई थी मुझे, तो मैंने इस पे आज डांस ट्यूटोरियल तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका जो मेन लाइन है वही इसका हुक स्टेप भी है, जो सबसे ज्यादा लोग आजकल उस पे डांस कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको वो बताती हूँ। उसमें आपको टू पार्ट्स में अपने डांस को तैयार करना है। एक पैर का मूवमेंट चलेगा, दूसरा हैंड मूवमेंट। तो सबसे पहले जो पैर का मूवमेंट रहेगा वो आपका उस जो पहली लाइन है इसकी, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, उस लाइन पे आपको सिर्फ यही मूवमेंट करना है इधर को। बस ऐसे आपको अपने पैर ज्यादा मूव नहीं करने, एक ही जगह रखने है, थोड़ा सा गैप देके रखना है। आपको सिर्फ कमर को इधर इधर मूव करना है, इधर साइड ज्यादा ऐसे 1 2 3 4 बस कमर को ही ऐसे चलाना है, ठीक है। पैर इसी तरह चलेंगे, कमर बस यूं कमर इधर इधर चलाते रहना है। ये मूवमेंट कंटिन्यूस करना है फास्ट। अब इसके साथ में हाथ कैसे एक्शन करने हैं, ये आपकी राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। आपको राइट साइड से अपने दोनों हाथों को ऊपर लेना है और ऐसे सर्कल फॉर्म में लाना है, ऐसे नहीं सर्कल बनाते। तो आपको राइट साइड से शुरू करना है और इधर से गोल लाते हुए यहां तक लाना है। फिर आपको एक हाथ को कमर पे रख लेना है और ये हाथ जो राइट साइड वाला है उसको ऊपर दिखाना है। तो इन दोनों को मिला के विद पैर का ये जो मूवमेंट कमर का है, इसके साथ में कैसे बनेगा दोनों का, लाऊंगा। जब ये लाइन आती है चांद लाऊंगा, तब आपको यहां पे कमर पे हाथ रख के सिर्फ एक हाथ से ऐसे एक्शन करते हुए करना था कि ये कमर ये ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। हल्का सा हम पैर को इधर मोड़ के ऐसे भी कर सकते हैं यूं, पर मैं आपको इजी में बता रही हूं, आप सिर्फ ऐसे करिए, कमर को इधर को ज्यादा पुश करिए यूं और उसके साथ में हाथों पे एक्शन करिए। क्लियर है। फिर इसके बाद क्या लाइन आती है, 16 17 सितारे संग। तो बस आपको उसके लिए क्या एक्शन करना है, आप पहले इधर एक जंप लेके जाएंगे हल्की सी ऐसे और फिर वापस इधर जंप लेंगे साइड में हल्का सा, ठीक है। उसी के साथ आपको एक्शन करना है, जैसे ही आपने जंप लेके आप इधर आए तो आप जैसे तोड़ने का एक्शन करेंगे, तो आप कैसे करेंगे, 16 17 सितारे। पहले इधर जंप ली ऐसे तोड़ा, फिर इधर जंप ली ऐसे तोड़ा, तो हमने सारे 16 17 सितारे तोड़ लिए। तो कैसे, 16 17 सितारे संग बांध लाऊंगा। बस इसमें आपको एक हाथ ऊपर लेना है, ये नीचे लेना है और बस आपको सर्कल लेना है, हल्का सा आप कंधा ऐसे चला सकते हैं। तो संग बांध लाऊंगा ऐसे करके आप पूरा सर्कल लेके सामने आ जाएंगे, क्लियर है। तो पूरा जो हुक स्टेप है वो लाइन वाइज कैसे बनेगा, पहले दो लाइन पे ये मूवमेंट कमर का चल रहा है, लाइन क्या है, क्लियर हो गया, बहुत इजी है, कर सकते हैं आप भी, इतना तो सबको क्लियर है। अब इसके आगे एक लाइन और आती है, उस लाइन पे भी मैं आपको थोड़े स्टेप्स बता देती हूं। इसके आगे लाइन आती है, चांद तारों से कहो अभी ठहरे जरा। तो अब आपको एक्शन क्या करना है, चांद तारों से कहो का आपको सिंपल ऊपर ही एक्शन दिखा, तो इधर जैसे इस साइड राइट साइड पहले, तो एक तरफ आपने हाथ से एक्शन करके इसे खींचा, तो आप अपनी बॉडी को कंधे से थोड़ा उस तरफ को शिफ्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, चांद तारों से हमने हल्का समक नहीं जगह पे कोई मूवमेंट नहीं पैर का, बस अब इधर थोड़ा सा मुड़ गए और हाथ से हमने खींचा, कैसे चांद तारों से, अब दूसरी तरफ कहो, दोनों तरफ हो गया, चांद तारों से कहो, क्लियर है, अभी ठहरे जरा। तो बस ठहरने का एक्शन करना है, तो दो बार अभी ठहरे जरा, हमें दो बार इधर दो बार इधर करना है। तो दोनों लाइन का मिला के क्या होगा, चांद तारों से कहो अभी ठहरे जरा, ये लाइन फिर रिपीट हो रही है। आप यही स्टेप रिपीट कर सकते हो, अगर आप डिफरेंट करना चाह रहे हो तो आप डिफरेंट हैंड मूवमेंट कर दो। अब आप कर दो चांद तारों से कहो, ऐसे कर दो, अब अभी ठहरे जरा का एक्शन आप डिफरेंट कर दो, अभी क्रॉस बनाओ हाथ से ठहरे जरा, तो चांद तारों से कहो
ठहरे जरा, हल्का सा सर भी ले जाइए, जरा पैसे कर लीजिए, खोलिए से हाथ क्रॉस खोलिए, तो ये डिफरेंट मूवमेंट बन गया। आप दोनों अलग अलग लाइंस पे दोबारा से कर सकते हैं या सेम रिपीट कर सकते हैं, जो आपको इजी। फिर लाइन आती है, पहले इश्क लड़ा लो उसके बाद लाऊंगा। तो आप पहले इश्क लड़ा लो, इस लाइन पे आप एक्शन करेंगे ऐसे, पहले इश्क लड़ा लो उसके बाद लाऊंगा। बहुत इजी है, सिर्फ हल्का सा कमर चलाते हुए ऐसे ऐसे एक्शन करना है। या आप दूसरा भी कर सकते हैं ऐसे, पहले इश्क लड़ा लो, एक बार इधर कंधे पे मारना है और ऐसे पीछे करना है कंधा, फिर इधर मार के पीछे करना है, फिर उसके बाद आऊंगा, सेम वही लाइन। तो आप दोनों अलग अलग कर सकते हैं या कोई एक स्टेप आप वही रिपीट कर सकते हैं दो बार, जैसा आपको इजी हो। तो कैसे बनेगा दोनों पे, चार आऊंगा, यहां तक क्लियर है। इसके बाद फिर से वही तेरे वास्ते फलक से मैं वाली लाइन रिपीट होगी, आप वही हुक स्टेप रिपीट कर दीजिए। आप इस पे भी डिफरेंट करना चाह रहे हैं तो मैं बताती हूं नया स्टेप क्या है तेरे वास्ते पे। आप हल्का सा जंप लेके साइड में जाइए, उसके साथ ही जैसे ही आपने पैर रखा जंप लेके, आपको एक्शन करना है क्या, एक हाथ यहां एक हाथ सामने तेरे वास्ते, और ऐसे करना है यूं आगे पीछे, जैसे ही आपने रखा तो क्या, तेरे वास्ते, और फिर फलक से एक्शन है और हम वापस जंप लेके साइड में जाएंगे फलक से। तो पूरा कैसे बनेगा, तेरे वास्ते फलक से, क्लियर है यहां तक। फिर लाइन है, मैं चांद लाऊंगा, तो आप सिंपल दो बार ऐसे पैर रखिए स्टेप साइड में और हाथों से ऐसे एक्शन करिए, से चांद लाऊंगा, बस सिंपल ऐसे, या चांद लाऊंगा ऐसे भी कर सकते हैं कि 16-17 सितारे ऐसे एक्शन कर दिया, फिर सम बांध लाऊंगा ऐसे गोल घुमाते हुए साइड में लेके, क्लियर है। बस इसको आप प्रैक्टिस करिए, चाहिए तो आप सेम हुक स्टेप भी लास्ट में कर सकते हैं, जो भी आपको इजी पड़े, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और इजी है, हो जाएगा। और आपको अगर इस गाने को म्यूजिक के साथ देखना है तो शॉर्ट्स का लिंक मैंने दिया हुआ है स्क्रीन पे, उस पर आप क्लिक करके वहां से जाके देख सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप डांसिंग।